हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल छोटी सी शेफ दर्शिका। आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल एज वी आर अ फैमिली ऑफ 100 सब्सक्राइबर्स। एंड बिफोर वी स्टार्ट टुडेज वीडियो, आई वुड लाइक टू से यू ऑल वन थिंग दैट आई एम नॉट अ प्रोफेशनल शेफ, आई एम अ लिटिल शेफ। सो इफ देर इज एनी मिस्टेक इन माई वीडियो, डू कमेंट डाउन एंड ऑल्सो कमेंट डाउन वॉट डू यू वॉन्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो लेट्स मेक समथिंग स्पेशल फॉर 100 सब्सक्राइबर्स फैमिली। Today we are going to make vermicelli nest, so let's start. For making vermicelli nest we need 2 cups of vermicelli. यहाँ पे मैंने roasted लिया, लेकिन हम इसे और roast करेंगे। 2 tablespoon of condensed milk, around 1 tablespoon of water and 1 teaspoon of ghee. For making rabdi we need 1.5 cup of milk, around 1/2 cup of kaju powder, 2 tablespoon of milk powder, 1 teaspoon of शुगर। यहाँ पे मैंने केसर को पहले से ही पानी में डाल के रखा था, इसलिए इसका कलर ऐसा हो गया है। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, हमने इसे एकदम लोएस्ट फ्लेम पे रखा है। अब हम इसमें डालेंगे घी। घी हीट अप हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे सेवई, और सेवई को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए, ये रोस्ट हो चुका है। मुझे इन्हें रोस्ट करने में अराउंड 3 मिनट लगे हैं। अब हम इसमें 3 चम्मच पानी डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिलाकर 1 मिनट के लिए पकने देंगे। 1 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे। आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप इसे एकदम लोएस्ट फ्लेम पे रखकर तभी मिल्क में डालें। अब हम इसे अच्छा से मिला लेंगे। देखिए, ये हो चुके हैं, अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। मैंने ये कपकेक ट्रे को पहले से ग्रीस करके रखा था, और हमें ये वर्मीसिल को जल्दी जल्दी इसमें डालना होगा, क्योंकि फिर ये ड्राई हो जाएंगे। हमें ये छोटे वाले स्पून इसमें 2 चम्मच डालने हैं। पहले हम सब में डाल देते हैं। अब हम एकदम बीच में प्रेस करके ऐसे ऐसे साइड में प्रेस करेंगे। ये देखें, ये देखिए, मैंने कपकेक ट्रे में डाल दिया है। और जब आप टोकरी बना रहे हो और अगर आपकी वर्मीसिली ड्राई हो जाती है, तो आप उसको स्टोव पर चढ़ाकर पानी का छींटा मारकर आप वापस कपकेक ट्रे में डाल सकते हो। और अब हम इसे 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। अब हम हमारे रबड़ी की तैयारी करेंगे। हम इसमें पहले दूध डालेंगे। हमें ये सब पहले नीचे ही करना होगा, उसके बाद हम गैस स्टोव पे रखेंगे। इसमें मैंने केसर का पानी डाल दिया है। अब हम इसमें पाउडर दूध डालेंगे। शुगर, और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई भी लम्स ना पड़े। देखिए, इसमें कोई लम्स नहीं है। अब हम इसमें धीरे धीरे करके काजू पाउडर डालेंगे। ये देखिए, हमने काजू पाउडर डाल दिया है। एक्चुअली मुझे इलायची बहुत पसंद है, तो हम इसमें थोड़ा इलायची भी डालेंगे। आपको अगर मन नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकते हो। अब हम इसे लो फ्लेम पर रखकर अच्छा से हिलाएंगे। इसे चलाते हुए मुझे 2 मिनट हो चुके हैं, और आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप इसे कंटिन्यूसली चलाते रहें, वरना फिर ये नीचे स्टिक हो जाएगा। ये देखिए, हमारी रबड़ी बन गई है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम इसे इसमें ठंडा होने देंगे 5 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे एक बोल में,
और फिर हम इसे रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। और रेफ्रिजरेटर में रखने के बाद आप देखेंगे कि आपकी रबड़ी थिक हो गई है, तो आपको इसे ज़्यादा थिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट्स के लिए कूल डाउन हो चुका है, अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। ये देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, देखिए रबड़ी और नेस दोनों सेट हो चुके हैं। अब हमें देखिए ऐसे निकालना होगा, पहले हमें नाइफ से सब जगह ऐसे ऐसे करना होगा, ये देखिए। हम इसमें रबड़ी डालेंगे, ये देखिए। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे, हम पहले हम इस पर इलायची गिराएंगे, पिस्ता एंड बादाम, और फिर रोज पेटल्स। इसमें आप रबड़ी के बजाय रसमलाई भी यूज कर सकते हैं। वाओ, सो गुड लुकिंग, इट्स वेरी डिलीशियस एंड इट्स वेरी सैटिस्फाइंग एंड टेम्पटिंग ऑल्सो। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।